हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब पहले हम बात करते हैं वेरिएबिलिटी की या फिर वेरिएशन की। वेरिएशन होता क्या है? जब भी आप कोई डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, तो आपको ये पता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कि जैसा कि हमने ये स्कूल बॉयज़ का वेट मेजर किया है, तो देखिए हर एक जो इंडिविजुअल है उसका वेट डिफरेंट है। तो अगर हम इसका मीन निकालें तो इसका मीन है 30। तो मीन से हर एक इंडिविजुअल का जो वेट है वो कितना डिफर कर रहा है, यही मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं और इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो चलिए, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली ऑफ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का एक ही मेथड होता है, जबकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से कैलकुलेट करते हैं। हमारा पहला मेथड है पॉपुलेशन के लिए। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है और सैंपल के लिए डिफरेंट है। पॉपुलेशन मीन्स जब आप होल पॉपुलेशन पर वर्क कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने उसमें से कोई सैंपल सेलेक्ट नहीं किया है, आप टोटल पॉपुलेशन पर वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा ये फॉर्मूला, जो कि है होल स्क्वेयर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर अपॉन एन। एक्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ऑब्जर्वेशंस को और एक्स बार इंडिकेट कर रहा है हमारे एवरेज को और एन इंडिकेट कर रहा है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। ऐसे ही अगर आप सैंपल पर वर्क कर रहे हो तो सैंपल के लिए लिटिल बिट डिफरेंट फॉर्मूला है हमारा, कि होल स्क्वेयर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वेयर अपॉन एन माइनस वन। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये होल पॉपुलेशन है। इसके अंदर से हमने सैंपल नहीं लिया है, ये टोटल पॉपुलेशन है। तो पहला स्टेप है हमारा एक्स माइनस एक्स बार, मीन्स जो हमारा कैलकुलेटेड मीन है उस मीन से ऑब्जर्वेशंस को माइनस करना। तो जब आप 25 से 30 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका माइनस 5। ऐसे ही 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, 35 माइनस 30 इक्वल टू प्लस 5, और 40 माइनस 30 इक्वल टू प्लस 10, और 20 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 10। और अगला स्टेप है हमारा x माइनस एक्स बार, जो ये वैल्यूज आई हैं इनका स्क्वेयर करना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको स्क्वेयर करते हैं, माइनस 5 का स्क्वेयर होगा आपका 25, नेक्स्ट 0, ऐसे ही प्लस 5 का भी 25, प्लस 10 का होगा आपका 100, वैसे ही माइनस 10 का भी 100। जो आपकी माइनस की वैल्यूज होंगी वो स्क्वेयर होने के बाद प्लस की वैल्यूज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनका समेशन करना, जो x माइनस एक्स बार की स्क्वेयर की वैल्यूज आई हैं उनका समेशन करना। तो इनका समेशन करते हैं हम, ये आएगा आपका 25 प्लस 25 50, 150 और 250, और हमारा जो टोटल n है वो है हमारा 5। तो चलिए अब जो हमारा फॉर्मूला है पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ये जो यहाँ तक का फॉर्मूला है हमारा, इसकी वैल्यू आई है हमारी 250 डिवाइड बाई टोटल n, टोटल n इज 5। तो ये होगा हमारा 50। जब 50 का आप स्क्वेयर रूट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 7.07। तो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया पॉपुलेशन के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं सैंपल के लिए। तो अब सपोज करो कि यही जो हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमने इसको एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम सैंपल, अब इस एग्जाम्पल को हम सैंपल मान लेते हैं कि जो हमने ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये हमने सैंपल लिया है एक किसी बड़ी पॉपुलेशन से। तो इस केस में देखिए, यहाँ तक का जो हमारा फॉर्मूला है
वो तो सेम ही है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हमारी 250, और नीचे n माइनस वन, n है हमारा 5, मीन्स 5 माइनस 1। तो देखिए 250 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा आपका 62.5। जब आप 62.5 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 7.90। तो देखिए ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए सैंपल। जब आप इसे एक्सेल में भी कैलकुलेट करोगे, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेट करोगे, तो वहां पर भी जो फॉर्मूला आप टाइप करोगे, तो टू टाइप के फॉर्मूले होंगे, एक एसटीडीपी जो कि हमारा पॉपुलेशन के लिए, और एक STD.S जो कि होगा हमारा सैंपल के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।